तो आज का जो वीडियो है वो लुमिनस एलबी पर होगा और मैं आज आपको बताऊंगा कि इसमें जो चार्जिंग में हंगिंग की प्रॉब्लम आती है या बार बार फ्यूज की प्रॉब्लम आती है, मैं आपको उसके बारे में आज आपको बताने वाला हूं। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा बिना स्किप किए, जिससे कि आपको पूरी नॉलेज मिल सके। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि शेयर करने से और भी मिस्त्रियों का हेल्प होता है और ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। तो चलिए दोस्तों बिना कोई देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों मैंने ये लुमिनस एलबी का पीसीबी ले लिया है और मैं आपको सबसे पहले बता दूं, लुमिनस एलबी में दो तरह का पीसीबी आता है। एक तो ये जो आईसी वाला लगा हुआ होता है चार्जिंग के लिए, आईसी लगी हुई होती है, और एक जो होता है ये दूसरे टाइप का पीसीबी होता है, इसमें ड्राइवर टीएक्स लगा हुआ होता है। तो दोस्तों यदि आपको इसमें से कोई भी आपके पास पीसीबी है तो उसमें हमिंग की आपको समस्या आ रही है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि बाकी तो सब कुछ सेम होता है, बस इस आईसी की जगह उसमें ड्राइवर टीएक्स लगा हुआ आता है। तो दोस्तों ये जो मेनली जो कमी आती है ये प्रीसेट की वजह से आती है। ये इसकी प्रीसेट की वैल्यू यदि आप चेक करेंगे तो वैल्यू बढ़ी हुई मिलेगी। ये जो प्रीसेट होता है 502 यानी कि 5K का प्रीसेट होता है, यदि आपको इससे ज़्यादा इसकी वैल्यू दिखाई दे तो आप इसे तुरंत चेंज कर लें। और जो दूसरा जो फॉल्ट है वो ये T6 आई सी की वजह से आता है, हमिंग का, चार्जिंग में हमिंग का। तो दोस्तों आप इन दोनों पार्ट्स को एक साथ ही चेंज कर दें। यदि आपके पास कोई ऐसी समस्या आ रही है कस्टमर की कि बार बार फ्यूज़ ख़राब हो जाता है, बार बार फ्यूज़ उड़ जाता है, इस तरह से जो प्रॉब्लम आती है वो इसी आईसी और प्रीसेट की वजह से आती है। और जो दोस्तों मेरे पास ये दूसरी तरह का जो पीसीबी है इसमें आप खाली एक प्रीसेट ही चेंज कर देंगे, यदि इसमें समस्या आ रही है तो दोस्तों आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा जो कमेंट में करके ज़रूर बताएँ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे मैं आपके लिए ऐसे ऐसे यूजफुल वीडियो लाता रहूँगा। दोस्तों मैं आपको फॉल्ट केवल इसी तरह से बताकर सिखा दूंगा, यदि आपको किसी भी पीसीबी का फॉल्ट में से जानना है तो दोस्तों मुझे कमेंट में बताएं, मैं आपको केवल एक ही बार में इस तरह से फॉल्ट बता दूंगा जैसे अभी ये मैंने आपको बताया है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू दोस्तों।